गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल दिव्या प्रीतम भारद्वाज। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह, बहुत प्यारी सी सुबह महाकाल जी की नगरी से ही। तो जय श्री महाकाल। और हम लोगों ने रात में दर्शन कर लिए थे तो मैं रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, और वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। तो मम्मी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, भाई और मिस्टर भारद्वाज अभी भी रूम में ही है, उनका पता नहीं हो कितना टाइम लेंगे। तो हम लोग तो बाहर का वेदर एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना प्यारा वेदर है। ये देखिए बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? महाकालेश्वर। अब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या माहौल है और बारिश आ रही है। तो हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए, और ये उज्जैन से ओमकारेश्वर 150 किलोमीटर है। तो हमें कितने घंटे लगेंगे? 150 किलोमीटर, 3-3.5 घंटे। जसपाल ढाबा पे रुके हैं और हम लोग अभी इंदौर सिटी में हैं, ओमकारेश्वर जा रहे हैं। और इंदौर सिटी बहुत ही पॉश और बहुत ही क्लीन है। इंदौरी पराठे मक्खन के साथ है, इसलिए हम यहीं पे खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे अपना। और मम्मी इधर साइड में। मम्मी की शक्ल देख कैसे हो रही है। फोन मैं ले आई हूँ और मैंने उन्हें बोला फोन भूल गए, वो लेने तो समझ गए शायद। फोन मेरे पास नहीं मिला, फोन मेरे पास है, फोन भाई के पास था और घबरा गए। मैं तो एक ही फोन लेके आई थी वैसे। इंदौर में आ गया है ब्रेकफास्ट, तंदूरी आलू प्याज पराठा विद कर्ड, और अभी मक्खन आ रहा है, भाई ले रहा चार मक्खन वाले पराठे। पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर और अभी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे हैं मिस्टर भारद्वाज, और फिर चलते हैं मंदिर। मंदिर है यहाँ से 500 मीटर तो पैदल ही जाएंगे। फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं, आप भी आइए। वैसे कैमरा ऐसा अलाउड नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल विल ट्राई। दर्शन करने अभी भी काफी भीड़ है और 4 बजे मंदिर
वो भी 3 घंटे की लाइन के बाद, 3 घंटे लाइन में थे। बहुत जबरदस्त भीड़ है सावन के महीने में तो स्पेशली। और अब हम फिर से बोट में जा रहे हैं, कम से कम उतनी चीजें उतनी लाएं मंदिर में, ठीक है, क्योंकि खड़े रहना पड़ता है। और मतलब अपनी चीजों का ध्यान रखें, एक्सपेंसिव चीजें ना पहन कर आए और ना लेकर आए, कैश कैरी करें, कैश कैरी जरूर करें। और 50 रुपीज में ना बोट होती है कि आपको थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाता है और थोड़ा इजी पड़ जाता है। जा रहे हैं वापस बोट में क्योंकि हमें दूसरी साइड जाना है और वहाँ से फिर हमें कार पार्किंग तक जाना है। ये लास्ट ईयर हमारा उज्जैन से लेना रह गया था और इस बार भी उज्जैन में हम भूल कर आ गए हैं। सुबह सुबह शॉप बंद थी जहाँ जाना था, तो हमने ये ओंकारेश्वर से लिया है। क्या लेके आए आप ये? बजाओगे इसको? बनाना चिप्स कच्चे केले से बना रहे हैं डायरेक्ट सामने, फ्रेश वेज। हमारे ओंकारेश्वर में दर्शन हो गए हैं और अभी बज गए हैं शाम के 6 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी फिर से हमारा वही ट्रैवल है 12 से 13 घंटे का, तो आज भी हम नाइट में कहीं स्टे करेंगे। देखते हैं नाइट में कितना गाड़ी खींच लेते हैं, ये दोनों चला लेंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे तो स्टे कर लेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर।